लगता है आमिर तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा खाने पीने का। कान खींचूंगा उसके, इतने प्यार मोहब्बत से जबरदस्ती उसने तुमसे शादी की। ख्याल उसका रखा जाता है जिसको ख्याल रखना होता है। शायद ये बात है। अब क्या जिद बांध दी तुमने? डॉक्टर भी बन गई है, प्रैक्टिस भी कर रही है। बहुत बोलने लगे थे, मुझे ये बताओ कि खुदो कैसे है? ठीक है, गुजरे वक्त को और तुम्हें बहुत याद है। वही वक्त अच्छा था। खैर तुम बताओ, शादी वादी नहीं की तुमने? नहीं। क्यों? कहीं बैठ के बात करें? श्योर। देखो बेटा, तुम जमीर और नायला से बच के रहना। वो आज तक मेरे नहीं हो सके तो तुम्हारे क्या बनेंगे? डोंट वरी, बस आप मेरे लिए दुआ करती रहे, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ बेटा, मगर तुम्हें पता कि वो ना सिर्फ मेरी जायदाद बल्कि मेरे ट्रस्ट पे भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं दूंगा, फिक्र ही ना कर। बात कोई समझ ही नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे? पता नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। इतनी गुजर गई तो आगे भी गुजर ही जाएगी। अपने लिए नहीं तो कम से कम फूफो के लिए तो कर ही सकते हो। शादी तो कर सकता हूँ लेकिन मोहब्बत नहीं। और जिससे मोहब्बत ना हो उसको अपने साथ ऐसे बांध लेना ठीक तो नहीं होगा ना। मैंने हमेशा से तुमसे ही मोहब्बत की सो। जब तुम मेरी जिंदगी से गई तो मेरी जिंदगी ऐसे बदल गई कि शायद ही मैं कभी किसी से मोहब्बत कर सकूं। सबिया कैसी है? ठीक है, तुमने तो सबसे ताल्लुक ही खत्म कर दिया। ट्रांसफर हो गया था मेरा, क्या करती? मगर ताल्लुक तो रख सकती थी। अच्छा ये बताओ कि वो कैसा है, क्या नाम था उसका? कौन? आसिफ। आसिफ?